हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक डिजाइन बनाने के लिए ये हमने कपड़ा ले लिया है, 3.5 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा। इसको हमने तिरछे में फोल्ड किया है और फिर उसको एक बार और फोल्ड किया है, तो कुछ इस तरह से हमने इसका डिजाइन बना लिया है फोल्ड करते हुए। और अब हम इस पर नीचे की तरफ सिलाई चला के डिजाइन को पूरा करेंगे। और इसी तरह के हमने 5 से 6 डिजाइन बना लिए हैं। और इसके बाद हमने लेस ले ली है, और लेस मैंने ये वाली ली है, आपके पास जो हो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने और दूसरा कपड़ा लिया है, ये 3 इंच चौड़ा, इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग लगा ली है और दोनों तरफ से आधा आधा इंच फोल्ड करके इसे बीचों बीच से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इस लेस में इस कपड़े को इस तरह अटैच करते हुए सीधी सिलाई चला के लेस को जॉइंट करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो इसके बाद जब ये हमने अटैच कर लेंगे, तो हमने एक और दूसरा कपड़ा लेना है, इसी तरह का लंबा 2.5 इंच चौड़ा। तो उसे भी हम दोनों इंच से आधा आधा इंच फोल्ड करेंगे और बीच से फोल्ड करके इसमें उसी तरह उसे जॉइंट करेंगे, दूसरे वाले कपड़े को भी, और सीधी सिलाई चला लेंगे। तो इस कपड़े को भी हम इस तरह इसमें जॉइंट करेंगे, तो ये एक लंबी पट्टी के शेप में निकल कर आएगी जो कि हमें बनानी है। तो ये इस तरह से हमने लंबी पट्टी बना ली है। तो ये जो चौड़ी वाली पट्टी है, इसे हम अंदर की तरफ रखेंगे, और ये थोड़ी पतली वाली है, इसे बाहर की तरफ रखेंगे, और बीचों बीच से हम इसे फोल्ड करेंगे पहले पट्टी को, और फिर इस तरह से कॉर्नर निकालते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। और जो कुर्ते में तावीज बनता है, उस तरह का हम तावीज टाइप बना करके, और इसके किनारे में दोनों साइड किनारे किनारे सिलाई चला लेंगे, ताकि ये ऐसे ही मुड़ी रहे, नहीं तो आप इसको ग्लू गम से चिपका भी सकते हैं। तो मैं किनारे किनारे सिलाई चला लेती हूँ दोनों तरफ, ताकि ये परफेक्ट शेप में बैठी बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैंने इतनी वीडियो डाल दी है, लेकिन मुझे अभी कोई भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उसका उसका क्या रीजन हो सकता है, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और जो ये मैंने दूसरी लेस ली है, इसे भी मैं किनारे किनारे लगाते हुए और पूरे डिजाइन पर बाहर की तरफ कंप्लीट करूंगी, जो हमने ये पट्टी वाला डिजाइन बनाया है। तो इसे भी हमें कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लेस लग के कंप्लीट हो चली है। और अब हम कुर्ती का कपड़ा लेंगे। तो ये हमने कुर्ती का कपड़ा ले लिया है, और कुर्ती का कपड़ा लेकर हम इसे बीच सेंटर से खोलते हुए ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, और जो हमने ये पट्टी बनाई है उसे बीचों बीच सेंटर में लगाते हुए हम इस तरह से सीधी सिलाई चलाएंगे किनारे किनारे एक तरफ। तो इसे सीधी सिलाई चला करके कंप्लीट करना है एक साइड की पट्टी पे। तो अब हम दूसरी साइड की पट्टी वो डिजाइन लगाते हुए और सीधी सिलाई चलाते जाएंगे, और इस पट्टी को भी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी नेक डिजाइन की पट्टी बन करके कंप्लीट हो जाएगी, और ये डिजाइन बिल्कुल सिंपल है और बहुत आसानी से इजीली इसे कोई भी बना सकता है। जो नए सीखने वाले हैं वो भी आराम से बना सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो भी आराम से बना सकते हैं। इसमें बाहर की तरफ भी हम इसे किनारे किनारे सिलाई चलाते हुए इसे जॉइंट कर देंगे अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आ रही है, एकदम बढ़िया परफेक्ट।
और अब जो हमने ये इसके बीच में डिजाइन बनाए हैं, इनको हम बाद में बताएंगे कैसे करना है। जो हमने नेक डिजाइन बनाया है उसे हम इस पे अटैच करके बुकरम के किनारे किनारे सिलाई चलाते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे। तो इसको हमने इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो ये डिजाइन हमने सिलाई चला के कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो इस कपड़े को हमने कट करके छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि फोल्ड करते हुए कोई झोल वगैरह ना आए। तो ये हमने कट लगा लिए हैं और इसे सीधा करके किनारे किनारे सिलाई चला लेंगे। आप चाहे तो तुरपन करने के बाद उसे उधेड़ भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह का हमारा डिजाइन बनकर तैयार होगा। तो ये हमारा डिजाइन बनके कंप्लीट हो चला है। अब जो हमने ये पट्टियां लगाई थी इसे इस तरह खोलते हुए एक पट्टी इधर की साइड और दूसरी पट्टी इधर की साइड करते हुए हमें इसके मोती लगा लेने हैं और इन्हें अच्छे से अटैच कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपका कहीं कहीं छूट जाएगा और अच्छा बनेगा भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉच योर वीडियो।